नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ताउते के बाद यास नाम के तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जान माल का नुकसान हुआ है। वहीं मैदानी इलाकों में भी यास का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर बिहार यूपी तक पानी पानी हो गया है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना भयंकर रूप लेता दिखाई दे रहा है। बिहार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने वाला यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमजोर पड़ चुका हो, मगर इसका असर मौसम पर साफ तौर पर दिख रहा है। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। एक दो स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायल सीमा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के बीच बिहार में दक्षिण और पूर्वी में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य बिहार में भी कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका है। बारिश से सड़कों पर पानी भर आया है और जगह जगह जलभराव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि राज्य भर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश अगले दो दिनों तक होने की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले एक दो दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों में 19 जिलों में भारी बारिश होने तथा 6 जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं बिहार, केरल और अंडमान निकोबार में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और केरल में भारी बारिश होगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा आदि राज्यों में आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं देश को कोरोना वायरस के खिलाफ एक और दवाई मिल गई है और इसे एंटीबॉडी कॉकटेल कहा जा रहा है। जरूरी बात यह है कि इस दवाई के इस्तेमाल से अधिकतर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आती, यानी अब आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अस्पतालों के बेड़े में एक और दवाई शामिल हो गई है जो वायरस पर एक मिसाइल की तरह ही प्रहार करेगी। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे इस दवाई से जुड़ी वो सारी बातें जो आपके काम की हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे राजधानी दिल्ली के मरीजों को भी अब कोरोना की एंटीबॉडी कॉकटेल दवाई दी जाएगी। इसकी शुरुआत ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में होगी। आपको बता दें कि दवा कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ने से पहले हल्के और मध्यम लक्षणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के 84 वर्षीय मोहम्मद शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ये दवा दी गई थी।
कॉकटेल दवा को लेने वाले वह भारत के पहले मरीज बने थे, जब पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित हुए थे, तब उनके इलाज में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया था। एक सप्ताह के भीतर वो काम पर वापस आ गए थे। इस दवा की एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए है। वहीं जल्द ही दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी इस दवाई का इस्तेमाल शुरू होगा। एंटीबॉडी मोनोक्लोनल कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। यह एंटीबॉडी कासरी विमैप और इमिटे विमैप का कॉकटेल यानी कि संयुक्त मिश्रण है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित खास तरह के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें भी इलाज के दौरान ये दवा दी गई थी। इस दवा का निर्माण फार्मा कंपनी रॉज और सिप्ला ने किया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने हाल ही में एंटीबॉडी कॉकटेल को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि EUL दिया है। कोरोना के इलाज में अभी टेसिलीजुमैब इस्तेमाल की जा रही है, यह भी एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है, लेकिन कोरोना के संक्रमण के दौरान होने वाले शरीर के आंतरिक हिस्से में होने वाली सूजन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कासरी विमैप और इमडे विमैप को कोरोना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका में इसका ट्रायल भी हुआ है। ये एंटीबॉडी हल्की और कम गंभीर संक्रमण से पीड़ित मरीज को दी जाती है, जिससे शुरुआत में ही संक्रमण को दबाया जा सके ताकि बीमारी गंभीर ना होने पाए। ये दवा इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल होती है। इसे सिर्फ हल्के या बहुत कम गंभीर मरीजों को दिया जाता है। हालांकि खास बात यह है कि देश में हल्के संक्रमण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों की पहचान कर उन्हें ये दवा देना आसान नहीं होगा। दवा की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि 65 साल से ऊपर के मरीजों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। बुजुर्ग जो पहले से बीमार हैं, डायबिटीज के शिकार हैं, लीवर या किडनी की बीमारी है, कैंसर के मरीज हैं, स्टेरॉइड पर हैं, ऐसे लोगों को ये दवा दी जा सकती है। और इसके अलावा 55 साल तक के बीमार लोग जो हार्ट या सांस के मरीज हैं, उन्हें भी ये दवा दी जा सकती है। इस दवा से माइल्ड और मॉडरेट लक्षण वालों के साथ हाई रिस्क वाले मरीजों का इलाज हो सकेगा। दवा का इस्तेमाल बच्चों पर भी किया जा सकता है, खासकर जो बच्चे एनीमिया आदि से पीड़ित हैं, उन्हें ये दवा दी जा सकती है। कंपनी के मुताबिक ये दवा 12 साल या इससे अधिक उम्र और 40 किलो से अधिक वजन वाले कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में इस्तेमाल हो सकेगी। आपको बता दें कि ये दो दवाओं का मिश्रण है, इसीलिए इसे कॉकटेल ड्रग्स कहा जाता है। इसमें दो तरह की एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है कासरीविमैप और इमडेविमैप, ताकि वेरिएंट और म्यूटेशन के बाद भी ये काम करे। इसमें वायरस पर दो तरफ से हमला किया जाता है। इन दोनों दवाओं को 600-600 mg मिलाने पर कॉकटेल दवा तैयार होती है। ये वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस तरह ये दवा वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि जब कोई संक्रमित होता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाने में औसतन 2 हफ्ते का समय लेता है, लेकिन ये दवा बनी बनाए इम्यूनिटी है। कॉकटेल ड्रग्स बॉडी में जाते ही काम करना शुरू कर देता है और संक्रमित मरीज की बीमारी और लक्षण को बाहर आने से रोकता है। ये एंटीबॉडी 3 से 4 हफ्ते तक चल जाती है, तब तक मरीज ठीक भी हो जाता है। इस दवा का सेवन करने से मरीज को इलाज के लिए एडमिट होने की नौबत कम आती है, इससे मौत को भी कम करने में मदद मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीम। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काल के अंधेरे में ढकेल दिया था। हर रोज हजारों मौतें, हर दिन बढ़ते मामले सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाकर रख रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ हर रोज हाईकोर्ट और मीडिया द्वारा सरकार की फजीहत हो रही थी, लेकिन इससे इधर कोरोना जैसी बीमारी से खुद ग्रसित हुए यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठाकर यूपी को फिर से अंधेरे से वापस लाकर सूरज की रोशनी में खड़ा कर देते हैं। तो आपको छोड़ जाते इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। साल 2017, पार्टी बीजेपी, जो करीब 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सत्ता में वापस आई थी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां का राजनीतिक गुड़ाभाग करना हर किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के सामने थी सत्ता में बैठी सपा के रूप में एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती का सामना करके और हर मुश्किलों को पार कर आखिरकार बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी होती है। फिर चलता है सीएम के दावेदार को लेकर मंथन। पार्टी के सामने मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम फेहरिस्त में होते हैं, लेकिन खैर जिस बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है उसने ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर के मठ में महंत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें सौंपा गया यूपी का विशाल साम्राज्य। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। कई सालों बाद सत्ता में बीजेपी और योगी के सामने वैसे भी कई बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती योगी के सामने तब आ गई जब चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा था, लेकिन योगी तो खैर योगी है, वो कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारियां करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पिछली लहर या यूं कहें कोरोना का भारत में आगमन, तब भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरी कदम उठाए थे और प्रवासी मजदूरों को भी हर संभव मदद प्रदान की थी। कोरोना ने जब थोड़ा राहत दी तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रुके, उन्होंने आगे की तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। फिर आती है दूसरी लहर जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर रोज हजारों मौतें हो रही थी और लाखों में रोजाना के मरीज आ रहे थे। लाचारी और बेबसी का वो आलम था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। हर तरफ भय और डर का माहौल था, तबाही का मंजर सामने था। अस्पतालों के बाहर लोग तड़प रहे थे, सवाल कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से कि आखिर हमारी गलती क्या है। ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस और मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं। मंजर ये था कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों की चर्चा और भारत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। हर रोज उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया चैलेंज देखने को मिलता था और हर रोज योगी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती थी। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम आलोचनाओं को परे रख उन्होंने हर वो कदम उठाया जो यूपी की
खुशहाली के लिए जरूरी था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना डरावना रूप दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी, इसके आग की आंच समूचे भारत में दिखाई दे रही थी। शमशान घाटों पर जगह न मिल पाने और लाशों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के लिए योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई। लेकिन सरकार का केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह मौत के आंकड़ों और रोजाना मरीजों की संख्या में किसी तरह लगाम लगाया जाए। कोरोना ग्रसित भी हुए सीएम। यूं तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसे हो जाए वो काफी डर जाता है और उससे अगर बच भी गया तो वो घर में सिर्फ आराम करता है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब ये बीमारी हुई और जब वो इससे बाहर निकले तो वो फौरन लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे COVID-19 सेंटर की प्रगति का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। कई जिलों में कोविड सेंटर के निर्माण के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO लखनऊ में 450 बेड्स की क्षमता वाले कोविड सेंटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड्स के एक सेंटर का निर्माण किया गया। लखनऊ के अवध ग्राम में इस सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह यूपी के कई जिलों में कोविड सेंटर का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। अस्पतालों में 33,000 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, योगी आदित्यनाथ ने इन कमियों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स का दौर स्टार्ट किया। हर रोज अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने लगे। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 33,000 बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। गांव पर विशेष निगरानी के दिए आदेश। पंचायत चुनाव या यूं कहें एक बहुत बड़ी आफत जिसको लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। गांवों में संक्रमण का फैलने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव रहा। सीएम योगी ने गांवों में विशेष स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अभियान को और तेजी से चलाने का आदेश दिया। इसके लिए प्रत्येक दशा में सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में RRT का गठन किया गया। लगातार दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आ चुके हैं। वो फ्रंट में खड़े होकर कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी अब तक यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में जाकर कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति पर बारीकी से जायजा लिया है। युवाओं को वैक्सीन लगाने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा युवाओं को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरी लहर की आशंका के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान को विस्तार करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को जल्द से जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं। कोविड टीकाकरण में आगे की भूमिका निभाते हुए राज्य ने अब तक टीके की 1,62,16,379 खुराकें दी हैं। इनमें से 1,28,74,451 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 33,41,928 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है।